कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी होता है, वो समुद्र की गहराई में जा रहा होता है क्योंकि वो लोग समुद्र के अंदर तेल की खोज कर रहे होते हैं। तो समुद्र के अंदर ड्रिल करने वाली मशीन फंस जाती है, तो वो आदमी वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है और वहाँ जाकर चेक कर रहा होता है तो एक जोर का झटका लगता है जिसे वहाँ पर छोटे आकार के समुद्री जीव निकल आते हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तब फिर से एक जोर का झटका लगता है और बहुत सारे समुद्री जीव उन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है 2011 में, तो हम देखते हैं कि सेक्टर 7 में कुछ लोग तेल की खोज करने के लिए ड्रिल कर रहे होते हैं पर ड्रिल पाइप कंट्रोल के बाहर जा रहे होते हैं, तो वो लोग उसे ठीक कर रहे होते हैं और वो लड़की प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जाती है जिसका नाम हेजुन होता है। सभी लोग मिलकर उस ड्रिल पाइप को कंट्रोल कर लेते हैं पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ पर तेल उसको नहीं मिल पाता है। उसके बाद जोंगियोन योनबो को पनिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उस ड्रिल पाइप में से पानी निकल रहा होता है और उसमें से वो समुद्री जीव निकलता है। उसके बाद वो लोग उस जीव को अंदर ले जाते हैं और पानी में रखते हैं और वो लोग डॉक्टर योनजोंग से पूछते हैं कि ये कौन से जीव हैं। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि ये कीमोसिंथेटिक पर्यावरण के जीव हैं जिनका जीवन सूर्य की रोशनी के बगैर चलता है। तो वो डॉक्टर ये सब उन लोगों को समझा रही होती है, तभी वो स्वयं उस जीव को निकाल कर देख रहा होता है तो वो जीव उसके होठों पर हमला कर देता है जिससे उनके होठ बहुत ज्यादा सूज जाते हैं। उसके बाद वहाँ का कैप्टन सभी लोगों को कंट्रोल रूम में बुलाता है ये बताने के लिए कि तेल नहीं मिलने की वजह से उन्हें ये सारे ऑपरेशन बंद करने का आदेश मिला है, पर हेजुन को ये सब मंजूर नहीं होता है और वो ये सब ऑपरेशन बंद करने से मना करती है पर सभी लोग मान जाते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर से मिस्टर जोंग आते हैं उस ऑपरेशन को बंद कराने के लिए। उसके बाद मिस्टर जोंग सभी लोगों से मिलते हैं और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तब हेजुन मिस्टर जोंग को ये ऑपरेशन चालू रखने के लिए बोलते हैं और वो मान जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जोंग कैप्टन के पास जाते हैं और कुछ महीने चालू रखने के लिए बोलते हैं और तब वो फिर से तेल की खोज करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है 3 महीनों के बाद, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं तभी ड्रिल पाइप के अंदर कुछ खराबी आ जाती है जिसको ठीक करने के लिए हेजुन और योनबो पानी की गहराई में जाते हैं और वहाँ जाकर हेजुन अपना काम कर रही होती है और योनबो उसे देख रहा होता है और तभी योनबो की रस्सी टूट जाती है और वो समुद्र की गहराई में चला जाता है। ये देखकर हेजुन उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर उसे शॉक लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद सुंग शराब पीकर डॉक्टर योनजोंग के पास जाता है प्यार का इजहार करने के लिए, पर डॉक्टर योनजोंग उसे नफरत करती है। ये सब वो दोनों देख रहे होते हैं। उसके बाद हेजुन योनबो की फोटो देख रही होती है, तभी ऊपर से डॉक्टर योनजोंग की लाश पड़ती है। उसके बाद डॉक्टर जेंग उसकी लाश को चेक कर रहे होते हैं तो वो आत्महत्या का कारण बताते हैं, पर उसके बाद डॉक्टर जेंग को कुछ गड़बड़ लगती है और उसके चेहरे पर से उन्हें सीमन मिलता है पर उसको ये पता नहीं चलता है कि ये किसका है। पर जोंगियोन और सांगो को लगता है कि ये सब उस सुंग ने किया हुआ है, तो वो दोनों उस सुंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद डॉक्टर उस सीमन को चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये कुछ और ही है क्योंकि उस सीमन की कोशिकाएँ कुछ अजीब थी और तभी वहाँ पर वो दोनों उस सुंग को पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन तब डॉक्टर बताता है कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि रेपिस्ट ये है या कोई और। उसके बाद हेजुन अंदर कुछ चेक करने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और कहता है कि डॉक्टर जेंग मारे गए। तब वो सभी लोग वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं पर उनको लाश वहाँ पर नहीं मिलते है, पर उन दोनों को लगता है कि सुंग ने ही डॉक्टर जेंग को मारा है और वो सभी लोग उनको देखने के लिए जाते हैं और वो सुंग वहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ होता है तो वो कुछ देख लेता है जिससे वो बहुत डरने लगता है और उसकी रस्सी छूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और देखते हैं तो सुंग वहाँ पर नहीं होता है और रस्सी भी खुली हुई होती है, पर हेजुन वहाँ पर खून के छींटे देख लेती है और उसके पीछे जाती है और आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर सुंग पड़ा होता है और हेजुन उसको देखने के लिए जाती है तो वो उठकर भाग रहा होता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। तब वो लोग उनसे पूछते हैं तो वो उन सबको एक क्रीचर के बारे में बताता है और वहाँ से सबको भागने के लिए बोलता है और वो वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भी उनके पीछे भागते हैं, पर तभी हेजुन उस क्रीचर को देख लेती है और वहीं रुक जाती है। उसके बाद सुंग के सामने वो क्रीचर आ जाता है और उसे मार देता है और हेजुन उन सभी लोगों के पास जाती है और बताती है कि उन सभी लोगों को उस क्रीचर ने ही मारा है और उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सुनकर मिस्टर जोंग बंदूक लेकर उसको मारने के लिए जाते हैं, पर हेजुन भी उसके साथ जाने को बोलती है और वो लोग बंदूक लेकर उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर आगे सांगो और जोंगियोन होते हैं और वो लोग उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं, पर उन दोनों के पीछे क्रीचर होता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, तब वो क्रीचर उन दोनों पर हमला कर देता है और वो लोग उस पर गोली चला देते हैं जिससे वो दोनों बच जाते हैं। और मिस्टर जोंग उस क्रीचर के ऊपर लाइटर फेंकता है
जिससे वो क्रीचर जलने लगता है, क्योंकि उसका शरीर कुछ % ईंधन से भी बना हुआ होता है जिसके कारण वो जलने लगता है। पर वो क्रीचर उस पर लगी आग को बुझा देता है और उन लोगों के पीछे भागता है, पर वो सभी लोग लिफ्ट में से नीचे की ओर भाग जाते हैं और एक जगह जाकर जोंगयून का इलाज करते हैं। और तभी कैप्टन मिस्टर जोंग से पूछता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, सच क्या है बताओ हमें। तब मिस्टर जोंग वो पानी की टंकी तोड़ देता है और उसमें से उस छोटे जीव को बाहर निकाल कर उस हीटर पर रख देता है और वो जीव जलने लगता है। तब वो बताता है कि 20 साल पहले उन्होंने एक अद्भुत खोज की थी जिससे उनका भविष्य बदल सकता था। वो जीव 30 घंटों तक जलता रहा जिसे देखकर उनको लगा कि ये तो एक खुद ही पेट्रोलियम है जिससे हमारी ईंधन की कमी पूरी हो सकती है। पर मिस्टर जोंग के पार्टनर को ये ठीक नहीं लगा क्योंकि जीते जागते जीव थे। उसके बाद उस छोटे जीव के कारण वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई और सेक्टर 7 को वहीं बंद करना पड़ा। मगर पिछले साल फिर से तेल की खोज शुरू हुई। मैंने डॉक्टर योनजोंग की मदद ली, उनमें से एक छोटे से जीव को पालना शुरू कर दिया। मगर एक दिन बहुत खतरनाक घटना घटी, वो जीव बड़ा होने लगा जिसकी वजह से वो टैंक टूट गई और वो आजाद हो गया। इसे देखकर डॉक्टर योनजोंग बहुत घबरा गई और हम दोनों के बीच बहुत बहस होने लगी और गलती से उनको धक्का लग गया और वो नीचे गिर गई। ये सुनकर हेजुन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं, पर मिस्टर जोंग को वो क्रीचर पकड़ लेता है। इसके बाद हेजुन और टोंगजू जनरेटर को ऑन करने के लिए इंजन रूम में जाते हैं और कैप्टन और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए सबमरीन में जा रहे होते हैं। इसके बाद हेजुन और टोंगजू इंजन रूम में पहुँच जाते हैं और हेजुन उस जनरेटर को ऑन कर देती है जिससे वहाँ सभी जगह पे लाइट आ जाती है। और इसके बाद वो तीन लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन लोगों के नीचे वो क्रीचर आ जाता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, पर वो तीन लोग उस जाले को दबा कर रखते हैं। पर फिर भी वो क्रीचर ऊपर आ जाता है, पर किसी तरह से वो तीन लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं और वो क्रीचर भी उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा होता है। ऐसे में जोंगयून वहाँ पर गिर जाता है क्योंकि वो जख्मी था और वो क्रीचर उसे मारने ही वाला होता है, पर सांगो उसे बचा लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। तभी वो कैप्टन दरवाज़ा बंद कर देता है और वो क्रीचर जोंगयून को पकड़ लेता है, पर सांगो उसको पकड़ के रखता है, पर फिर भी वो क्रीचर जोंगयून को खींच लेता है। इसके बाद वो क्रीचर वापस आता है और सांगो को भी मार देता है। और इसके बाद हेजुन और टोंगजू दोनों वहाँ सबमरीन के पास जा रहे होते हैं, पर वो कैप्टन सबमरीन को लेकर निकल चुका होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और सबमरीन का शीशा तोड़ देता है और पानी अंदर चला जाता है जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जोंग हॉर्न का बटन दबा देता है और उस क्रीचर से लड़ने के लिए खुली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और मिस्टर जोंग उसको फायर गन से जलाने लगता है, पर वो जलने के बाद फिर से बुझ जाता है। पर मिस्टर जोंग एक लोहे का डंडा उसके मुंह में घुसा देता है जिससे वो पेट्रोलियम लिक्विड निकलने लगता है और मिस्टर जोंग अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसे जला देता है। और तभी वहाँ पर हेजुन और टोंग जो आते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। तभी वो क्रीचर हेजुन पर हमला करने वाला होता है, पर टोंगजू उसको बचा लेता है, पर वो क्रीचर टोंगजू को ही अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। वो क्रीचर पानी में कूद जाता है, पर हेजुन वहाँ जाकर देखते हैं तो टोंगजू उस रस्सी से लटका हुआ होता है और वो उसको ऊपर खींचने के लिए बोलता है और हेजुन बाइक के सहारे उसको ऊपर खींच लेती है और टोंगजू ऊपर आ जाता है, पर उसके पीछे वो क्रीचर भी आ रहा होता है। वो क्रीचर अब जल चुका होता है, पर तब टोंगजू क्रीचर के दांतों को पकड़ के रखा हुआ होता है और हेजुन को वहाँ से भागने के लिए बोल रहा होता है। तब वो क्रीचर टोंगजू को लेकर पानी में चला जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद हेजुन कंट्रोल रूम में छुपी हुई होती है, तब वहीं बाहर क्रीचर होता है, पर उसे जाते देख हेजुन बाहर निकलती है। तभी ऊपर से वो क्रीचर आता है, पर हेजुन वहाँ से भाग जाती है और ड्रिल मशीन के पास खड़ी होती है और तब उसके पास वो क्रीचर आता है और उस पर जैसे ही हमला करता है हेजुन ड्रिल मशीन का बटन दबा देती है और क्रीचर को ड्रिल के नीचे दबा देती है, पर फिर भी क्रीचर उस पर हमला करता है, पर हेजुन ड्रिलिंग बटन दबा देती है जिससे वो क्रीचर कट जाता है और मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर सब कुछ तबाह होने लगता है। तब हेजुन बाइक के सहारे पानी में कूद जाती है और बच जाती है और मूवी की एंडिंग यही हो जाती है।